दोस्तों जोहार। अभी मैं चकगढ़ क्षेत्र में जैसे कि आपको बताया हूँ और सुबह से मैं दौरा कर रहा हूँ। सारे यहाँ के जितने गांव है वहाँ का आज मैं दौरा किया कि और देख रहा हूँ। आज छठे चरण का मतदान झारखंड में चालू है और यहाँ जो है लगातार चारों तरफ जो है चुनावी माहौल है। चुनावी महापर्व छठे चरण के लोकसभा चुनाव जो झारखंड में हो रहा है, गांव-गांव में आज उत्साह है, उमंग है लोगों में और काफ़ी उत्साह से ये लोग वोट दे रहे हैं। अपने जो इन लोगों के जो मुद्दे हैं, उनकी जो परेशानियां हैं उसको देखते हुए पिछले 5 वर्षों में या 24 साल के इस झारखंड में अब तक क्या क्या काम हुए हैं उससे ये लोग नाराज हैं या खुश हैं ये लोग खुद बताएंगे। आज हमारे साथ में ये गांव के ईचागढ़ क्षेत्र के जो वासिंदे हैं, ये ग्रामीण हैं, इन लोगों ने आज वोटिंग दिया भी करीब करीब 5:15 बजे है। आज अभी ईवीएम की जो है मशीन की अभी लॉकिंग शुरू हो गई है। ये गांव वाले अभी वोट दे करके बाहर खड़े हैं इस स्कूल के। दादा आप एक बात बताइए कि आप लोग वोट दे दिए, वोट दिए, निशान कहाँ है आपका? है निशान है। चलिए तो बहुत अच्छा है कि आपने वोट दिया, अपने जो हक का देने का क्या हक वो आपने काम किया है। तो आपका जो मुद्दा आप युवा है पिछले 5 वर्षों में या पिछले 24 वर्षों में जो झारखंड बना है, आपने इसके पहले भी वोट दिया होगा, तो अब जो आपने वोटिंग दिया इस वर्ष जो वोटिंग दिया, क्या पिछले वर्ष के को ही देख करके दिया या अब नया कुछ करना चाहते हैं, क्या सोच करके दिया वोट? नया सोचा जिन्हें अंदर वोट दिया से जे कि जमन आगे मुद्दा बढ़े, जमन शिक्षा जिन्हें स्कूल जमन मास्टर बहाली हुई और जमन डेमर मुद्दा आ अंदर और डैम मैंने चांडिल डैम अपना कि विस्थापित सही मुआवजा मिले ना, जमन इस वोट अंदर नूतन युवक के दिया आसे जमन सही काम हुई वो तो प्रत्येक गाय देखी जे कोथाओ मुआवजा सही पूर्वक क्यों पाए नहीं। आज कम से कम 40 बसर होचे अपना? नहीं हमार 33 साल होचे। 33 साल होचे तो 33 साल आज 40-42 बसर हो गल किंतु एखनो मुआवजा पाव जाए नहीं। सही मुआवजा पाव जाए नहीं तो सही टके निये को आज वोटिंग कर ले नियोजन बारे कोनो एखनो होय नहीं। अच्छा नियोजन सही नीति लागे नहीं एखनो जे अथार जे अंदर बासिंदर लो पाछने बाहर लोक आसिया रहे माने नौकरी चाकरी करछे मतलब बाहर लोक आसे करे नौकरी चाकरी करछे सेटा मुद्दा निये करे वोटिंग करा होयेछे। हां तो কি চাইছেন যে এই যে আপনি যে ভোটিং করলেন যাকে ভোট দিলেন পিছলে যে আগে যে ছিল সাংসদ ওর তুলনায় কি আপনার কাজ হবে? কাজ হওয়া তো দরকার তার জন্য আমরা দিয়ে আছে। আচ্ছা তার বাজে যদি না হইতে কি করা যাবে মানে আমরা দিন আরো চেঞ্জ করব আমরা। আচ্ছা তো দাদা আপ এস গাঁও কে কবি মানে মে বুজুর্গ কহুঙ্গা আপ বড়ে কহুঙ্গা মে আপকো तो आपने अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या सिखाया है, क्या बताया है कि अपना आपके आपके जो क्षेत्र में क्या परेशानियां हैं उसको देख के वोट करें या केवल जो है केवल वही नेशनल पार्टी को ही वोट करना है या स्थानीय को वोट करना है, किसको क्या बताया है आपने? हम लोगों ने इस बार जो वोट किए आज 24 साल झारखंड अलग होकर हम लोगों को 24 साल हो गया झारखंड राज्य हम लोग का अलग हुआ, लेकिन इस झारखंड में अब तक स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ जिसके चलते छात्र छात्राओं का भविष्य बहुत अंधकार में जाने जा रहा है। ये सब सोचकर हम लोग नया बहुत सारे पार्टी के नेता को भी देख लिया है। यहाँ राष्ट्रीय पार्टी का भी सरकार हो चुका है, यहाँ MP MLA राज्य सरकार केंद्र सरकार सब कुछ हम लोग बनाते हैं, लेकिन झारखंड के लिए आज तक कोई नियोजन नीति नहीं बनाया गया है। इसलिए हम लोग ये जो नियोजन नीति बढ़िया से बने, हम लोगों के छात्र छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल हो, इस मनोकामना से इस विचार को लेकर हम लोगों ने नया ढंग से वोट देने का काम किया है। रासवाल विस्थापित क्षेत्र के हम लोग हैं, इस बामुंडी खीरी गोविंदपुर भी चांडिल डैम विस्थापित से आता है, चांडिल बांध से विस्थापित हुआ है। विस्थापित पेमेंट बहुत कम मुआवजा से पेमेंट हुआ है, हम लोग आज मुआवजा के लिए तरस रहे हैं। यहाँ का जनता डैम विस्थापित लोग पैदल रांची राजभवन तक जाके अपना मांग
रखा, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुआ। हम लोग को इस बार मौका मिला है और इस मौका से हम लोग चाहते हैं कि अपना सुंदर वोट देकर हम लोग अपना सारा समस्या का समाधान करेंगे। यही विचार से हम लोग इस बार लोकसभा का वोट प्रदान किए हैं। मतलब ईचागढ़ जो क्षेत्र है, पहले के तो पहले मैंने बहुत सारा देखा है कि बाहर से आए हुए जो प्रत्याशी थे वो जीत कर चले जाते थे, वो उन लोगों को आप लोग जिताते थे इसी आशा में कि आपके लिए कुछ काम करेंगे। तो इस बार आप लोगों ने क्या सोचा कि बाहरियों को नहीं देंगे, अपने स्थानीय को देंगे? बाहरी आदमी को हम लोगों ने देख लिया, किसी ने जब जीतने के बाद वो लोग हम लोगों के यहाँ तक पहुँचता भी, गांव तक पहुँचता भी नहीं है, सिर्फ वो लोग बाहर बाहर घूमते रहता है, यहाँ की समस्या के बारे में कुछ नहीं काम नहीं किया। इसलिए हम लोग सोचा कि अगर नया आदमी जैसे JBKCS का नया कैंडिडेट है, अभी नया हम लोगों को मिल चुका है, सबको रांची तक ले के गया है या विस्थापितों को, तो आशा एक है कि हम लोग इसके ऊपर निर्भर करते हैं, इस आशा से वोट प्रदान किए हैं। अच्छा, तो मतलब आप JBKCS मतलब जयराम महतो जी के पार्टी को पे आप विश्वास कर रहे हैं? जी, इसके ऊपर विश्वास है। तो मैं आपका आप भी वोट डाले? जी हाँ जी जी। कहाँ निशान? देखिए निशान है तो ये आपका जो बामंडी है, ये क्षेत्र भी ईचागढ़ में और दूसरे गांव के तुलना में ये भी विस्थापित ही है, जैसे आप लोग विस्थापित हैं। आप लोग ठीक है, विस्थापित थोड़ा बहुत गया है लेकिन गया तो है, है ना? अब जो है एक नया आप लोग कुछ सोच रहे हैं, जैसे दादा ने कहा, तो नए में अब क्या बदलाव चाहते हैं? अपने गांव का ऐसा क्या कमी था जिसको आप पूरा करवाना चाहते हैं? देखिए, कमी तो बहुत सारा है, लेकिन जैसे भैया लोग जो बोले कि विस्थापित ये मुद्दा है, जैसे हम लोग का कुछ विस्थापित आंशिक कार्ड होता है वो सब मिला नहीं है कुछ, जैसे हम लोग आंशिक पूर्ण विस्थापित नहीं है, हम लोग गांव तो पूर्ण नहीं है, तो उसके लिए भी कार्ड बनना चाहिए, तो वो सब नहीं है, वो सब मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि स्टूडेंट का, हम लोग स्टूडेंट हैं। अब देखिए इतना सारा भ्रष्टाचार है, JSSC एग्ज़ाम ले रहा है, JPSC एग्ज़ाम ले रहा है, हम लोग बैठ रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, सीट बेचा जा रहा है, कोई नेता आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो ये सब मुद्दा है, जैसे शिक्षा व्यवस्था है पूरा तो जर्जर, हाँ बहुत सारा मुद्दा है, तो इसी सब मुद्दों को देख के हम लोग वोट किए हैं। मतलब आप स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि पिछले 24 वर्षों में कोई भी नौकरी जो परीक्षाएं हुई हैं वो सही तरीके से नहीं हुई है नहीं। और आप लोगों को कोई भी नौकरी में सफलता नहीं मिली, ये कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। सबसे बड़ा मुद्दा तो कुछ नीति नहीं है, और अगल बगल जितना स्टेट है सब बाहर से आ जा रहा है। एक नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा, स्थानीय नीति उसमें अटैच करना होगा, तब जाके बाहरी रुकेगा स्टूडेंट, बाहरी का स्टूडेंट आने, तभी हम लोग झारखंड का स्टूडेंट है वो सब नौकरी में जा पाएगा। स्थानीय नीति अभी तो आपकी जल जंगल जमीन की सरकार थी, वो तो नहीं नहीं अभी 60-40 पे जितना एग्ज़ाम हो रहा है, अरे एग्ज़ाम भी कहाँ हो रहा है, एक एग्ज़ाम 3 बार दिए हैं, एक एग्ज़ाम आपका लैब असिस्टेंट हुआ, फिर CGL 1 बार दिए, फिर कैंसिल हुआ, अब आता पता नहीं है। अभी सहायक आचार्य का निकला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसका भी फिर केस केस चल रहा है, क्यों चल रहा है? सरकार की नीति के चलते। अभी हम लोग सोलो टेट पास हैं, हम लोग सोलो में पास आउट हैं टेट, अभी एक वो वैकेंसी नहीं दिया है उसके लिए, इसीलिए CTET वाला लोग केस कर दिया तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट चल गया है। अब वहाँ अभी फिर भी एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे 1-5 का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी मेरा तो है 6-8 में, हम BEd किए हैं, तो उसका अभी एग्ज़ाम प्रोसेस में है, अभी शायद इलेक्शन के बाद हो। अरे तो एग्ज़ाम तो लेगा, एग्ज़ाम से लेने से सरकार को फ़ायदा होता है, पैसा आता है, फंड आता है, वो पैसा तो आपको रिटर्न मिलता नहीं है। नहीं नहीं, एग्ज़ाम ले रही है सरकार, उठी क्या है बात हो रहा है, फिर इतना सारा भ्रष्टाचार, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, आपका बेचा जा रहा है सीट, ये बात है ना, फिर अभी कैंसिल हो जाएगा एग्ज़ाम, होगा फिर कैंसिल हो जाएगा। अगर एक लड़का मान लीजिए इसमें 3 पेपर है, 3 को पेपर देने जाएगा, 1,000 रुपया 3,000 रुपया सोच रहे हैं एक देहात का लड़का, वही बोलने चाहिए। हाँ, तो बहुत सारा मुद्दा है। तो ये एक छात्र है और इसका कहना है कि यहाँ जो है भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है, झारखंड में मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का ही है। दादा, क्या जैसे कि ये
इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है इस गांव का, ये गांव का एक लड़का है, ये भ्रष्टाचार को और मुख्य मुद्दा नियोजन नीति को कहता है। आप अपने अनुसार अपने मन से बताइए कि ये क्या है आपके क्षेत्र का, जो जैसे दूसरे क्षेत्रों में है सड़क का मुद्दा है, सड़क सही से नहीं है, स्कूल जो है बंद हो चुका है, प्राइमरी छोटे छोटे बच्चे 3 साल 4 साल के बच्चों को 2-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, आपके अनुसार आपके ग्रामीण क्षेत्र में आपके गांव क्षेत्र में क्या है मुद्दा जो आपको आपके बच्चे को एक सही रास्ता दिखा सके, सही एक मनुष्य का रूप दे सके इस अपने ईचागढ़ क्षेत्र में? देखिए बात है कि ईचागढ़ क्षेत्र में अभी जितना ईचागढ़ क्षेत्र में अभी जो जितना मतलब चुनाव हुआ ना उस सब जितना सब पार्टी मतलब राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो हैं वो सब भ्रष्टाचार के ही मतलब देन बोलिए या तो शिकार बोलिए हैं। अभी जो अभी हम लोग नया जो गठन किए हैं ना मतलब पार्टी वो है मान लीजिए जेबीकेएसएस का अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ ना अभी आज हुआ फिर और 1 तारीख होने वाला है, 1 तारीख एक तारीख होने वाला है। ये सब चुनाव में हम लोग ये सब क्या बोलेंगे आपको तैयार दिखा रहे हैं, बाद में जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव ऐसे आएगा ना उस समय फिल्म चालू होगा। अच्छा क्या फिल्म चालू होगा? आई सब 32 खतियान का फिल्म चालू होगा। अच्छा मतलब मुख्य मुद्दा 32 का 1932 नियोजन नीति। अच्छा। बस उसके अलावा कुछ और नहीं चलेगा, मतलब 1932 के अलावा कोई जो नहीं मानेगा वो पार्टी को यहाँ से रिजेक्ट का रिलीफ यहाँ से भगाया जाएगा, उसका सरकार यहाँ बनने वो सरकार नहीं बनेगा ना बनेगा ना बनाएंगे ना बनाए बनेगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तो पिछले 5 साल से बोल रहे कि वो 1932 1932, लेकिन वो बोलते हैं कि केंद्र सरकार नहीं मान रही है। हम लोग सब सबका मैनिफेस्ट हम लोग पढ़ के रखे हैं। अच्छा। मैनिफेस्ट खाली प्रलोभन देता है, पूरा कहाँ कर पाता है। अच्छा। पूरा जितना जब चुनाव हुआ ना तो खाली प्रबंध देके साचा मतलब ढांचा देके भाई ये देंगे वो देंगे ये देंगे बोल के मतलब आदमी सबको बुड़बक बना के देता है। उसके बाद चुनाव के चुनाव जब बाद होता है ना उस समय बस मतलब क्या बोलेंगे आपको मतलब नींद की गोली खाता है शायद। चंपा सोरेन जी बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार मोदी मेरा बात नहीं मानता है। कल्पना सोरेन बोल रहे हैं कि मोदी जी हम लोग को अपना हक नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस पर आप क्या कहेंगे? हक नहीं दे रहे, अपना पार्टी का हक उसको लेना चाहिए ना। जब चंपा सोरेन मोदी नहीं दे रहा है उसका जो हक है उसको लेना चाहिए, उसका जो अधिकार है कैसे नहीं देगा। सही बात है सरकार आप केंद्र से कहें ना स्टेट में स्टेट लेवल में कहीं कहीं डिमांड कीजिए उसके हम उसकी इतना जरूरत इतना हमको दीजिए डिमांड दीजिए हमको वहाँ हम लोग मांग वादा किए उसको हम पूरा करेंगे। कहने का मतलब ये बोल ही नहीं पा रही। हाँ पता नहीं बोल नहीं पा रही क्या नहीं पा रही वो तो उड़ जाने का। तो देखिए इन लोगों के युवाओं का एक मुद्दा है कि 1932 झारखंड का मुख्य मुद्दा ना एक मांग है उसको पूरा होना चाहिए। यहाँ के लोग इन लोगों का मुद्दा है कि छात्रों को नियोजन मिले नौकरी मिले। दादा क्या क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। आप युवा हैं वोट दिए? जी जरूर। चलिए वोट दिए बहुत अच्छी बात है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि कहीं की नौकरी कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी टीचर ट्रेनिंग किए हैं, तैयारी कर रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग किए हैं, तो अब टीचर ट्रेनिंग किए हैं तो आपको क्या लगता है कि नौकरी मिलेगा आपको टीचर यहाँ का? ना यहाँ स्थानीय नीति, ना नियोजन नीति, ना विस्थापित नीति, कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस समस्या ही समस्या है। और यहाँ के जितने भी हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं सब ज़्यादातर जाकर पीछे बैठ के आराम से सुनते हैं या फिर सो जाते हैं। बोलने वाला नेता होना चाहिए जो आगे आके हमारे स्थानीय क्षेत्र के जितने भी विकास के का जरूरी चीज़ है वो सब जाके वहाँ मुद्दा उठाना चाहिए, ऐसा नेता हम लोगों को चाहिए। तो ये लोग कहाँ से बोलेंगे? सब तो मैट्रिक पास और ये टेट आप जो बोल रहे हैं वो तो समझते ही नहीं होंगे। तो इसीलिए तो बदलाव चाहिए, इसीलिए पढ़े लिखे जिन लोगों को वहाँ भेजना होगा संसद में हो या विधानसभा में। अच्छा आप लोग के क्षेत्र में आपके जो पिछले सांसद अभी जो सांसद है संजय सेठ वो आए हैं कभी? कभी नहीं। इस बार बोलेंगे तो इस बार शायद एक बार रैली भी तक कभी इधर का ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ तक के हालत है पूछिए बाकी गांव में। वो तो समझते हैं हम तो मोदी के नाम से जाएंगे। यहाँ का स्थिति का विकास क्या है? और सबसे बड़ा जाते 500 रुपया 1000 रुपया देने से सब वोट दे देते हैं। हमारे सामने और एक मुद्दा बड़ा मुद्दा है, सामने औद्योगिक क्षेत्र है सब समझते हैं सब। हाँ इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जमशेदपुर, लेकिन अगर यदि यहाँ से ट्रेन का सुविधा बढ़िया होता तो शायद बहुत सारे हमारे भाई लोग यहाँ से काम करते और रोजगार अपना रोजी रोटी चलाते। जैसे कि चक्रधरपुर रेलवे में
उस ट्रेन में तीन चार सौ ट्रेन है, उसमें केवल लेबर ही आते जाते हैं, आप सब देखे होंगे हजारों लेबर आप लोग के क्षेत्र में। क्या मतलब ट्रेन की सुविधा नहीं है जमशेदपुर है? लेकिन वैसा नहीं, शाम को एक तो सुबह का एक तो। अच्छा, ये कई कैसे होगा? हम लोग का यहाँ के भाई लोग सब विस्थापित होंगे, पीत होंगे औद्योगिक क्षेत्र से, और हम लोगों को काम नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ आप लोगों का मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, मुख्य मुद्दा है। एक तो आप लोग विस्थापित हो गए हैं, विस्थापित होने के बाद आप लोगों के पास किसी तरह की रहने के लिए ज़मीनें भी नहीं होंगी? नहीं, उतना नहीं है अभी, सब थोड़ा बहुत बचा है, नहीं तो बस ज़्यादातर चल गया है। सब ज़मीनें चलेंगे जिसमें आप खेती करके गुजारा करते थे। और एक बात कि हम शारीरिक से विकलांग भी है, जब हम सरकार इस बार पिटाई भी कर दिया विकलांग लोगों को, एक बार इस साल भी पिछले साल भी धरना पर बैठा गया था, आप लोग को शायद पता ही होगा, लोकल न्यूज पता है मुझे। हाँ, तो क्या विकलांग लोग भी कहीं आगजनी करते हैं, किसी पर हाथ उठाते हैं? हाँ, मतलब कहीं गलत करते हैं? हाँ, कर पाएंगे? अपना अपना हक और अधिकार मांग कर मांग करेंगे, ले गए वो भी लाठी डंडा चल गया। क्या नाम हुआ आपका? समीर कुमार माथा। समीर जी, आपका दुख समझ रहे हैं, झारखंड में ये परिस्थिति पिछले 24 वर्षों से हम लोग देखा है, और झारखंड बनने के पहले भी ये बात बिहार सरकार के समय, हम मुझे लगता है कि बिहार सरकार के समय कुछ हद तक सही थी, और अब तो है पूरी तरह से हालत बहुत ही ख़राब है, जैसे आप कहना था। और अब जो है अंत में आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस सरकार को, या आने वाले समय में जो भी यहाँ सरकारें बनेंगी या जो विधायक बनेंगे सांसद बनेंगे, उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हर क्षेत्र का विकास हो, और क्या, स्थानीय मुद्दा एवं नियोजन नीति, विस्थापन नीति सबको बढ़िया से लागू किया जाए। सही बात है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ईचागढ़ क्षेत्र में हालांकि इन लोगों ने वोट तो दिया, क्योंकि ये बदलाव के लिए वोट दिया, पिछली सरकारों से ये नाखुश है, नाराज है, पिछले सांसद हो पिछले विधायक हो उनसे ये लोग नाखुश हैं। अब एक नई सरकार बनाना चाहते हैं, नया नए नीति लाना चाहते हैं, उसके तहत ये लोग अपना वोट आज किए। दोस्तों, इतना कहते हुए अब तक न्यूज, देखता हूँ अभी और भी गांव का हम जायजा लेंगे, अगर वहाँ कुछ आपके लिए कुछ खबर पेश कर सकूँ तो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय जय झारखंड।